नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। द्वारका सेक्टर 12 एक प्राइम लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा पास में मिल जाते हैं, लोकल मार्केट पास में है, मेट्रो पास में है, और ये द्वारका का काफ़ी पुराना सेक्टर है जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की सुविधा असुविधा में नहीं बदलेगी। आपको अगर इस प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए जहाँ पर आपको रेंटल इनकम बढ़िया मिल जाए, लिविंग स्पेस और लिविंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो, मार्केट आपको बिल्कुल डोर स्टेप पर मिल जाए, तो आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है। इस तरह की फेसिंग वाले फ्लैट्स रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज इसके अंदर हमें हर बालकनी से ऐसा व्यू मिलता है जिसे चेंज करने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना वो कभी चेंज हो सकता है। अब मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ और बीच में बताऊँगा आपको क्यों ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्यों ये BRS पर्सनल फेवरेट की लिस्ट में आता है। आइए, दोस्तों हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स, 2 सामने 2 इधर और 2 लिफ्ट्स, ये हमारे फ्लोर का प्लान है। सेफ्टी डोर आपको लगा हुआ मिलता है। ये फाइनेंसर फ्लैट नहीं है, ये है ओनर का फ्लैट, तो आपको सारा काम ऐसी क्वालिटी में मिलेगा, ऐसी कंडीशन में मिलेगा कि आप इसको सीधा रहने लायक या फिर रहने के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेआउट बताते हैं। कोई भी आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका लिविंग एरिया रहेगा, यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 और वहाँ पे हमारा वॉशरूम। कुछ ये लेआउट है इसका। अभी आप देख रहे होगे इसमें काम काफ़ी सारा बचा हुआ है, क्योंकि जब तक इसमें काम कंप्लीट होगा ये फ्लैट सेल हो चुका होगा। तो अगर आपको ये फ्लैट लेना है तो आपको थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का कोड यहाँ पे है, नीचे लिखे हुए नंबर हैं। मैंने बताया पर्सनल फेवरेट ऑफ BRS, वाई रीज़न क्या है इसके पीछे, इसकी फेसिंग जो इसके बेडरूम से मिलती है वो इसकी सबसे बड़ी USP। आइए मैं आपको सबसे पहले वहीं लेके चलता हूँ, उसके बाद बाकी बातें बताता हूँ आपको। ये हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम से बाहर आते हैं, आ जाइए। अब आप खुद बताइए, इस तरह की फेसिंग, इस तरह की बालकनी रोज़ रोज़ आपको किस फ्लैट के अंदर मिलती है? सामने जो आप रोड देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में रहता है, सब कुछ DDA द्वारा मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे ये जो सोसाइटी है, यहाँ पे आपको आपके बच्चों की खेलने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो आप सारा का सारा काम देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश हुआ है, यानी कि कुछ भी पुराना नहीं है इस फ्लैट के अंदर। जितना भी आप काम देख रहे हैं सब कुछ नया है काम के पर्सपेक्टिव से। अब आपको पूरा लेआउट मैं आराम से समझा देता हूँ, क्या चीज़ कहाँ थी जो मैंने आपको शब्दों में बताई थी, अब आपको बता देते हैं। ये पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ ऑल लिविंग कम डाइनिंग एरिया। उसके बाद में ये वाला एरिया मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ योर किचन स्पेस। ये इसका अप्रॉक्सीमेट साइज़ है 8.5x10 के साइज़ में। इसके बाद ये आता है हमारा बेडरूम नंबर 1, आ जाइए, आइए 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 दोस्तों। ये आपका बेडरूम नंबर 1 आता है, ये सबसे कॉम्पैक्ट बेडरूम है इस पूरे फ्लैट का। रेस्ट इसके बाद में सारे बड़े बड़े बेडरूम्स हैं। यहाँ पे साइज़ आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट, और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है लगभग 12 फीट। एक अटैच वॉशरूम है यहाँ पे, नॉर्मल साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, आपको इस बेडरूम से इस विंडो को लेकर बालकनी में जाने का मौका मिलता है। वो बालकनी हमारे तीनों बेडरूम से कनेक्टेड है। तीन बेडरूम कौन कौन से, ये हो गया हमारा बेडरूम 1, ये हो गया हमारा बेडरूम नंबर 2। साइज आपको मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 10 फीट ऐसे मिलेगा आपको, 12 फीट ऐसे मिलेगा। वार्डरोब की प्लेसमेंट वहाँ पे है, सामने पूरा फ्रेंच विंडो वाला कंसेप्ट, UPVC विंडो लगी हुई है, जो कि कलर वाइट नहीं रखा गया है, कलर रखा गया है वुडन। उसके बाद ये हमारा तीसरा बेडरूम, इसका साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 13 फीट ऐसे मिलेगा आपको, और ऐसे मिलेगा आपको 12 फीट। वार्डरोब की प्लेसमेंट यहाँ पे, डबल पल्ले का वार्डरोब है, हस्बैंड वाइफ दोनों कपड़े आ जाएंगे। हल्का सा पीछे जाइए और ऊपर नज़र मारिए, ये बिल्कुल नया टाइप का फ्रेश डिज़ाइन है। एक बहुत अच्छा वॉशरूम बहुत ही अच्छे साइज़ के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे, और इस साइज़ के अंदर मिलने के बाद में आप आएंगे आगे, दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम, एक परफेक्ट साइज़ का कॉमन वॉशरूम। और यहाँ पे आता है फाइनली योर 4th बेडरूम। दोस्तों आपसे
रिक्वेस्ट है, आप जब कॉल करके हमें पूछते हैं कि एक बढ़िया सा 4 BHK फ्लैट बताइए, तो आप साथ में बजट भी बताया कीजिए। बिना बजट के एक अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जब 2 लाइनें बोलते हैं ना, मुझे इतना प्रोडक्ट इतने बजट में चाहिए, तब जाके हमारा दिमाग चलना शुरू होता है। अदरवाइज़ हमारे पास माइंड के अंदर कम से कम नहीं तो 100 से 500 फ्लैट एक टाइम पे घूम रहे होते हैं, उसमें से एक फ्लैट आपको सजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रोडक्ट एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डिमांड को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इस रूम का अगर आप साइज़ देखते हैं, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। 13 फीट ऐसे मिलेगा, 12 फीट ऐसे मिलेगा, इधर वार्डरोब मिलेगा डबल, एंड एक बहुत बढ़िया बालकनी जिसके ऊपर आपने ओपनिंग शॉट देखा था अभी, उसके ऊपर मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, वहाँ से फ्लिकरिंग आती है फिर वीडियो का गड़बड़ हो जाता है, मसाला मज़े नहीं आता। यहाँ पे आपको मिलता है एक अटैच वॉशरूम, ये काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। साइज़ की बात करते हैं तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 4.5 फीट by 7 फीट के साइज़ में आपको ये वॉशरूम मिलता है। इस पूरे फ्लैट की विशेषता, बालकनी जो इसकी है वो अनमैच्ड है, वो आपको नहीं मिलेगी, रोज़ रोज़ वैसी बालकनी मिल ही नहीं पाती है। इस वाले रूम से भी आपको बहुत प्यारा व्यू मिल रहा है, सामने स्कूल है, बहुत अच्छा ग्रीन ही दिखेगा आपको, बारिश सर्दी धूप सारे मौसम में आपको इस तरह के फ्लैट्स पर रहने में मज़ा आता है। लिविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है द्वारका का, सर्विसेज आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं, डोर स्टेप तक मिल जाएंगी, सोसाइटी के अंदर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पार्क नहीं मिलता लोगों को सोसाइटी में, इट कॉल्ड अ पार्क। यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी का कोड डाल दिया है, नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। द्वारका सेक्टर 12 का 4 BHK फुली रेनोवेटेड फ्रेश कंडीशन फ्लैट, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक अच्छी चॉइस और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। रेंटल इनकम यहाँ पे आपको मिल जाती है लगभग 45,000 रुपये एक फ्लैट से, तो एक अच्छा रेंटल रिटर्न है। और अगर आप इसी तरह के फ्लैट को यूज़ करते हैं और एप्रिसिएशन के लिए वेट करते हैं, तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा अगले 5 से 10 साल के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।